हाँ भाई, क्या हो रहा है? अरे जोगी भैया, देखना तूफान उठेगा, तूफान। तू तो रहने दे, तुझसे नहीं हो पाएगा, ये देख। ये कर कैसे लिया तुमने? ये तो मेरे सोनाली का ट्रैक्टर का कमाल है। जिनके पास है सोनाली का ट्रैक्टर, वो करते हैं तूफान की सवारी। भाई तुम तो हीरो निकले। मैं और मेरा सोनाली का ट्रैक्टर हीरो से कम है क्या? पेश है सोनालिका तूफानी धमाका ऑफर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी डीलरशिप से संपर्क करें। प्यारे दर्शकों का इस खास पेशकश में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज असीं सोनालिका एग्रो सोल्यूशन वालों की किसानों लई नवें नवें प्रोडक्ट लॉन्च किए गए, किस तरीके ना बेहतर उन्होंने अपलायंसिज जिहड़े प्रदान किए जा रहे, नवी नवी टेक्नोलॉजी दिती जा रही जिहदे नाल किसानों का जीवन जिहड़ा लाहेबंद हो सके, उन्होंने जिहड़ी फसल की बेहतरीन कीमत जिहड़ी उन्होंने मिल सके। सो इस वास्ते बहुत सारे उपराले आ, उहदे वास्ते गलबात करदे जानकारी लैंदे आ। मेरे नाल बैठे हन सोनालिका एग्रो सोल्यूशन दे चीफ एग्जीक्यूटिव क्रांति दीपक शर्मा जी। सर बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा। सर सब तो पहला तो यह दसो साडे दर्शकों कि किसान भरावां वास्ते सोनालिका एग्रो सोल्यूशन किहड़े किहड़े प्रोडक्ट जिहड़े आ तुहाडे कोल हैगे इहनां वास्ते? बेसिकली देखो किसान अज दा बड़ा अच्छा ईवेंट रहा है जिहदे विच असीं काफ़ी इंप्लीमेंट्स वगैरह लॉन्च किए हैगे किसानां वास्ते। ये जिस तरह एडवांस इंप्लीमेंट्स की गल करिए, असीं बेलर एप्लीकेशनस दे लैके आए हैं, प्रसीजन प्लांटर लैके आए, रिवर्सिबल प्लाओ, स्ट्रॉ रीपर, चोपर, और रोटावेटर की तो काफ़ी बड़ी रेंज है अपने को सोनालिका ग्रुप को से। डीलर ने काफ़ी पसंद किए है सारे, उन्होंने कुछ इनपुट्स आई हैं जिन्होंने असी R&D और साड़ी सर्विस की सारी टीम मिलकर उस इनपुट को असी कन्वर्ट भी करते हैं। बाकी असी सारे पैन इंडिया की स्टडी करके ही इंप्लीमेंट डिजाइन होंगे। बेसिकली इंडिया के जी लैंड कंडीशन है डिफरेंट स्टेट्स की डिफरेंट हैगी है, इस करके सानू इंप्लीमेंट्स नू जिहड़ा डिजाइन करना पैंदा वो पैन इंडिया नू ध्यान च रख के कहिंदा। लेकिन पंजाब हरियाणा स्पैशली कस्टमर काफ़ी अवेयर हैगा, जागरूक हैगा, एडवांस मशीन इंप्लीमेंट यूज़ करता है, तो इस करके अवेयरनैस बहुत ज़्यादा हैगी। सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्री हैगी पंजाब दे विच, हरियाणे दे विच, ते सानू उहदे उत्ते फोकस रखना पैंदा हैगा। सर्विस दे उत्ते किस तरह प्रॉम्प्ट सर्विस दे सकीए, क्योंकि वन टाइम सेल नहीं आई, सानू रिपीटेड सेल लैनी हैगी अपने डीलर तो, तो वो लिए की है कि कस्टमर के उत्ते सानू फोकस रखना पैंदा है। सर जी, सर मैं थोड़े कोलों कि बहुत सारे जो डीलरस आ उन्होंने तुम इनवाइट किया और एक किस्म के ना उन्होंने फीडबैक जी वो लई, सोनालिका के जो प्रोडक्ट्स है दूसरिया होर बहुत सारिया कंपनियां इस वे मार्केट चो उन्होंने किस तरीके डिफरेंट है, किदा तुम क्वालिटी के उत्ते किस तरीके काम करते हो, वो बारे साढ़े दर्शकों। बेसिकली साढ़े सोनालिका 1969 तो ये कंपनी इस्टैबलिश हैगी है, तो सिंस बिगनिंग फार्मर के नाल कनैक्ट बहुत अच्छा इस कंपनी का। नई कंपनीज आदि उन्होंने स्टडी करने मार्केट की रिसर्च करने वास्ते काफ़ी टाइम लगता, लेकिन सोनालिका जिस तरह थ्रैशर तो स्टार्ट होया, फिर ट्रैक्टर इंडस्ट्री के आई, ट्रैक्टर इंडस्ट्रीज 140 कंट्रीज एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, इसी तरह इंप्लीमेंट भी इन मोर दैन 50 कंट्रीज एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तो उहदे नाल कि एक कस्टमर की जिहड़ी पल्स नूं समझना, उहदे उत्ते काम करना, उहदे वास्ते साडी जिहड़ी R&D की टीम है और फील्ड की और प्रोडक्ट डिवेलपमेंट की टीम बड़ी स्ट्रोंगली इहदे उत्ते काम करदियां हैगियां टीम्स। उहदे नाल कि प्रोडक्ट की रिफाइनमेंट साडी, असीं कह सकदे हां कि कंपीटीटर नालों बैटर असीं प्रोडक्ट के उत्ते फोकस करके प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं जी। सर चूँकि असी देखते हैं किसानों बहुत सारे अपलायंसिज इस वे लेने पैंदे है, ता ही उन्हां दी खेतीबाड़ी जिहड़ी उह चलदी है। सो एक किसान लई कई बार ये चीज़ा पॉसीबल नहीं हुंदियां, बड़े किसान तो कई बार ये चीज़ा अफोर्ड करते हैं, कई किसान संगठन भी इस तरीके नाल ये चीज़ा अपलायंसिज लेंदे, की सरकार वालों कोई सबसिडीज़ का भी इन्हां वास्ते प्रबंध हैगा, जे हैगा तो किस तरीके नाल? नहीं, बहुत अच्छी तुसीं ये टॉपिक किया है। बेसिकली ये सारी चीज़ जी है ना, सिंगल फार्मर के लिए बड़ा इंपॉसीबल जो टास्क होंगे कि सारी मशीनरी रखनी, जिस तरह कंबाइन है, रीपर है, रोटावेटर है, सारी इंडस्ट्री के किसान वास्ते सारा इंप्लीमेंट बाय करना भी पॉसीबल नहीं होंगे। लेकिन गौरमेंट बहुत सपोर्टिव हैगी, साड़ी जिस तरह न्योरचून गौरमेंट साड़ी BJP की चल रही हैगी, इन्होंने काफ़ी सपोर्ट जिहड़ा हैगा फार्मर नूं प्रोवाइड किया और सेंटर की काफ़ी अच्छी स्कीम्स आ रही है, जिहदे विच उन्होंने मोर दैन 50% ईवन 80% भी सबसिडीज़ वगैरह इंप्लीमेंट्स के उत्ते उन्होंने दित्तियां हैगियां। इस करके कि कुछ सोसाइटीज़ नूं भी प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट, सोसाइटीज़ नूं उन्होंने फॉर्म कीतियां विलेजेस दे विच, ये कुछ विलेज क्लब करके सोसाइटीज़ अपने इंप्लीमेंट बाय करेगी, सोसाइटी नूं सबसिडी ज़्यादा हैगी है फार्मर्स दे नालों, तो उस तरह करके फार्मर नूं जो छोटे किसान हैगे उन्होंने सपोर्ट कर रही है स्कीम।
तो गौरमेंट का बहुत व्डा उपराला है, इसलिए वी ऑलवेज थैंकफुल टू द गौरमेंट कि इस तरह का इन्होंने उपराला किया है। वो कि इंप्लीमेंट इंडस्ट्री को भी एक बूस्ट मिलता है कि अच्छी अच्छे इंप्लीमेंट लैके आईए, फार्मर वास्ते अच्छी बैटर लैके आईए। तो हम कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग भी काफ़ी डिवेलप हो गई है, तो मोस्टली इंप्लीमेंट्स हम कॉन्ट्रैक्ट भी चलन लग पे है, सोसायटिया भी जा रहा है, तो गवर्नमेंट की पूरी सपोर्ट हैगी, जिद करके बिजनेस ग्रो भी हो रहा है। सर मैं थोड़े को यह भी जानना चाहूँगा कि एग्रीकल्चर जो अपलायंसिज है बहुत सारे प्रोडक्ट नवें नवें आ रहे, भारत के की स्कोप की देखते हो तुम ओवरऑल? बड़ा अच्छा क्वेश्चन तुम रेज किया है वाला। देखो इंप्लीमेंट मैं कहूँगा जिस तरह इंडिया अज की डेट के असी टू व्हीलर ले लीए नंबर वन, असी कार इंडस्ट्री ले लीए नंबर वन, ट्रैक्टर इंडस्ट्री नंबर वन, इंडिया तो ही एक्सपोर्ट होकर बाहरली कंट्रीज़ के हम सारे व्हीकल्स ऑटोमोबाइल हो गए ट्रैक्टर हो गए इंडिया तो ही जा रहे, और पंजाब नंबर वन है ट्रैक्टर दे विच ऑलरेडी कि पूरे और वर्ल्ड दे विच सप्लाई हो रहा है। इसी तरह इंप्लीमेंट का भी स्कोप इंडिया आने वाले टाइम काफ़ी बढ़ रहा, हूँ सारे इंप्लीमेंट्स इतने इंडिया बन गए, अच्छी क्वालिटी के इंप्लीमेंट बन गए और सारिया कंट्रिया दे विच इंप्लीमेंट्स एक्सपोर्ट होंगे। इस करके इंप्लीमेंट्स का स्कोप बहुत ज़्यादा मैं प्रोजेक्ट कर रहा और असी उस फोकस के नाल कंपनी दे विच प्रोडक्ट डिवेलप कर रहे हैं ताकि असी कम प्रोडक्ट बनाइए और इंडियन वास्ते भी और असी एक्सपोर्ट मार्केट वास्ते भी अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट उन्होंने दिए। की मैसेज साडे दर्शकों नूं किसानों नूं तुसी देना चाहोगे? देखिए किसानों नूं बेसिकली की है जो ट्रेडिशनल इंप्लीमेंट्स नूं छड्ड के आपां जिहड़े एडवांस इंप्लीमेंट्स आ रहे उहदे उत्ते फोकस करना चाहिए फार्मर्स नूं। उहदे नाल की है कि उन्हां दी फसलां भी साल च ज़्यादा लै सकदे, उन्हां दा इनकम रेट भी वधदा हैगा, तो गवर्नमेंट दी जिहड़ियां स्कीम्स हैं उहदे लई अवेयर होण, जे नहीं अपना कंपनी नूं कॉन्टैक्ट करन असी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जिस तरह पहले जी गवर्नमेंट सी जां कुछ स्टार्टिंग दे विच सबसिडीज दे जिहड़े प्रोसेसिस सीगे बड़े टफ हुंदे सीगे, लेकिन गवर्नमेंट ने इहनूं काफ़ी ईजी करता है इन्हां प्रोसेसिस नूं, हुण काफ़ी अच्छे सिस्टम्स हैगे है। तो किसी भी फार्मर ने कोई जानकारी लैनी है, कोई डीलर ने जानकारी लैनी, कंपनी ने कॉन्टैक्ट करे, असी उन्हों अपडेट पूरा नॉलेज प्रदान करांगे, पूरी साढ़े कोल टीम हैगी है जिहड़ी इहदे बारे एक्सप्लेन कर सकदी है उन्हां नूं बैटर वे दे विच, तां कि उह अपना गवर्नमेंट दी इहनां प्लान्स दा सबसिडीज़ दा फायदा उठा सकन। सो ये सन क्रांति दीपक शर्मा जी जो कि बिजनेस हैड ने सोनालिका एग्रो सोल्यूशन, और बहुत बेहतरीन जानकारी साढ़े किसान भरावान दी कि किस तरीके ने स्कीम सरकार दी उन्हां दा बेहतरीन लाभ लै सकदे और ये बेहतरीन अपलायंसिस दे नाल अपनी फसल जिहड़ी है उस नूं बेहतरीन तरीके दे नाल जिहड़ा है उहदा लाभ लै सकदे, किसानी नूं लाहेवंद बना सकदे। सो आस करदे हां जरूर किसान इसका लाभ उठाएंगे और सानूं अपनी फीडबैक भी देंदे रहेंगे। साडे नाल गलबात करन लई बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिठाई किस खुशी में बद्री भैया? नया ट्रैक्टर बुक करके आया हूँ। सोनालिका ट्रैक्टर है ताकत की पहचान। बाकी ट्रैक्टर कुछ नहीं है इसके सामने यार। बाकियों का पता नहीं बद्री, लेकिन अपना सोनालिका सिकंदर DLX 10 में से 10 गुणों वाला ट्रैक्टर है। 10 में 10? हाँ, गिनो फटाफट। मेटालिक पेंट, चकाचक शाइन, डिलक्स सीट एंड एर्गो स्टीयरिंग, LED DRL हेडलाइट और मजबूत प्रो प्लस बम्पर, शटल टेक टेक्नोलॉजी, 12 फॉरवर्ड 3 रिवर्स, मल्टी स्पीड ट्रांसमिशन, HDM बड़ा इंजन, स्मार्ट सेंसिंग, 5G हाइड्रोलिक्स। हाँ मेरा ट्रैक्टर 1500 किलो का लोड उठाता है। सिकंदर DLX की लिफ्ट कैपेसिटी है 2200 kg और स्पीड श्रेणी में सबसे तेज। तो बताओ बद्री कितने हुए? हो गए 10 में 10। सिकंदर DLX, नहीं मतलब राणा। सोनालिका सिकंदर DLX 10 में 10 यानी अव्वल नंबर, फोर व्हील ड्राइव के साथ। अपने ट्रैक्टर की बुकिंग कैंसल। अब मैं भी ले आऊंगा सोनालिका सिकंदर DLX।